सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद करण जौहर की नेगेटिव इमेज बहुत ज्यादा बढ़ गई। यही कारण है कि करण जौहर का सुपरहिट शो कॉफी विद करण कहीं आया ही नहीं और कुछ पता ही नहीं चला इस शो का। करण जौहर को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में आप करण जौहर अपने लिए एक बार फिर से ऑडियंस तलाश रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, नॉर्थ इंडिया से तो उन्हें ये ऑडियंस मिलने नहीं वाली, क्योंकि ऑलरेडी सुशांत की डेथ के बाद करण को लेकर ऐसे किस्से सामने आए हैं जिससे लोगों को उससे नफरत हो गई है। ऐसे में अब साउथ इंडस्ट्री में करण अपने लिए ऑडियंस ढूंढ रहा है और इसके लिए करण जौहर ने पहला कदम उठा भी लिया है। करण जौहर साउथ के कुछ सुपरस्टार्स को अपना एक स्पेशल शो बना रहे हैं, उसमें बुलाएंगे। ये शो होगा फिल्टर कॉफी विद करण। ये शो उन्होंने स्पेशली RRR फिल्म के लिए रखा है जिसमें आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे स्टार्स हैं। वहीं साउथ के सुपरस्टार्स रामचरण और जूनियर NTR भी इस फिल्म का हिस्सा है। बड़े बजट की फिल्म बनी है, 400 करोड़ की फिल्म है, तो उसी तरीके का इसका प्रमोशन भी चल रहा है। नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह अलग अलग प्रमोशंस चल रहे हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट कभी मुंबई में होकर प्रमोशन करती है तो कभी हैदराबाद जाकर आलिया भट्ट और अजय देवगन प्रमोशन करते हैं। ऐसे में अब मुंबई में प्रमोशंस शुरू हो रहे हैं जिसके लिए RRR की पूरी टीम मुंबई आ रही है और यहाँ पर जिस वक्त ये प्रमोशन होंगे उस टाइम करण जौहर भी इनके साथ एक शो करेंगे। ये एक प्रमोशनल शो होगा स्पेशली RRR के लिए जो डिजाइन किया गया है और इस शो का नाम करण ने फिल्टर कॉफी रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है साउथ में फिल्टर कॉफी पीने का चलन है, इसीलिए उन्होंने अपने शो का नाम फिल्टर कॉफी रखा है। अब सबसे बड़ी बात, क्या जो करण जौहर लोगों की आंखों में इतने गिरे हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, उनका नाम जिस तरीके से नेगेटिव चीजों में उछला है, वो अगर किसी फिल्म के प्रमोशन से जुड़ते हैं तो लोगों तक ये अच्छा संदेश जाएगा? क्या करण के कहने पर लोग उस फिल्म को देखने जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि करण का इस फिल्म से जुड़ना एक नेगेटिव बात है, फिल्म को नेगेटिव पब्लिसिटी मिल जाएगी? कि क्या उन्हें करण जौहर ही मिले अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।